हेलो एवरीवन, वेलकम टू कबीर हर्ष। आज का टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स। दिस इज पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल 12 टू 35। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल 12 टू 35, ठीक है, इट हैज बीन टेकन फ्रॉम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से ये लिया गया है, जहां पे अमेरिका में इसे बिल्स ऑफ राइट्स कहते हैं। इट इज ऑल्सो बीन कॉल्ड एज मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। ठीक है, मैग्ना कार्टा जो था वो था एक चार्टर राइट्स था, है ना, इशूड बाय किंग जॉन ऑफ इंग्लैंड इन 1215 एडी। इट इज द फर्स्ट रिटन डॉक्यूमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन द वर्ल्ड। मीन्स इट इज मीन्स मैग्ना कार्टा और चार्टर राइट्स। इट इज ऑल्सो बीन जस्टिसेबल। जस्टिसेबल मतलब कि फंडामेंटल राइट्स को के वॉयलेशन पे आप कोर्ट जा सकते हो। देखिए, ओरिजिनली 7 फंडामेंटल राइट्स थे, लेकिन एट प्रेजेंट 6 हैं। वो देख लेते हैं कौन कौन से। पहला है आप राइट टू इक्वालिटी, ये आर्टिकल 14 टू 18 है। देन राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 टू 22। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 टू 24। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 टू 28। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, आर्टिकल 29 टू 30। अब ये जो राइट है आपका, राइट टू प्रॉपर्टी, आर्टिकल 30, इसको हटा दिया गया है बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। एंड ये अब आपका एक लीगल राइट है अंडर आर्टिकल 300A पार्ट 12। फिर सातवां और छठवां हम कह सकते हैं इसे, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32। इनके बारे में हम फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे। देखिए, आर्टिकल 12 देख लेते हैं, डेफिनेशन ऑफ द स्टेट। आर्टिकल 12 का मतलब है डेफिनेशन ऑफ द स्टेट। इसमें जो डेफिनेशन दी गई हुई है, गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, दैट इज एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। फिर गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, दैट इज एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। मीन्स पहले में यूनियन गवर्नमेंट हो गया, दूसरे में स्टेट गवर्नमेंट हो गया। तीसरा, ऑल द लोकल अथॉरिटीज, दैट इज म्यूनसिपैलिटीज, पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एंड एक्सेट्रा। एंड फोर्थ है ऑल अदर अथॉरिटीज, दैट इज स्टैट्यूटरी एंड नॉन स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज लाइक LIC, ONGC, सेल एक्सेट्रा। तो ये डेफिनेशन थी स्टेट की। उसके बाद आर्टिकल 13, लॉ इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स। लॉ इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स, देखिए इसमें जो है डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू दिया गया है सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के माध्यम से जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। देखिए, लॉ इंक्लूड्स परमानेंट लॉ इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, टेम्पररी लॉ इशूड बाय प्रेसिडेंट और स्टेट गवर्नमेंट, स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट और एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर एंड नॉन लेजिस्लेटिव लॉ।